ਹੈਡਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰਤ ਇੱਕ ਤੇ ਕੁੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ सिमरत सिमरत हाँ जी मामा फोटो दीदी से तो बता तू अपना हेडफोन उठे रखा ही है सारा कुछ है आप तो बैठ के गल कर लिया आज मेरा बच्चा मेरा बच्चा अच्छा पहले मैं दस कॉलेज नहीं जाना तू आज जाना मम्मा सिमरत मेरी गल सुन पुत देख तेरी स्टडी तो होगी हम पूरी है हम अगो तक की तरह विचार है की करना है मम्मा स्टडी तो कंप्लीट हो गई हूँ तुम दसोगे मैं की करा जा स्टडी अगे करा कंटिन्यू तो जा फिर कोई डिप्लोमा करा तेरा की जी करदा काके करन नु तन्नू पता है कि तुसी किन्ने दुख देखे आ मैं ते चाहनी आ कि मैं अपने पैरां से स्टैंड होवां मेरे बच्चे पहली गल ते मेरी सुन तू एक गल सोचदी है कि मम्मा जड़े दिन तुसी वेखे पोते दी गल अपने दिमाग च नहीं लेके आनी बिल्कुल भी वाहिगुरु ने तेनू हर खुशियां देनियां ने ऐसा दी गल कोई गल नहीं किस्मत दे सौदे हुंदे ने पर तू एदा दी गल अपने दिमाग च बिल्कुल नहीं लेके आनी और जो तेरा दिल करदा ना तू मैं दस तेरा जी की करदा तू कोई कोर्स करना तू कोई डिप्लोमा करना तू अगो स्टडी करना चाहनी जो तू करना चाहनी तू मैं बेटेंशन होकर दस मैं तेरी मम्मा हैगी हाँ नाल नाल मैं तेरी फ्रेंड भी हाँ तेरी सहेली भी हाँ पुत हाँ जी मम्मा तो तू एक डर डरी क्यों रही है तू इदा क्यों हूँ तू चुप चुप क्यों रह ला पी क्यों कोई गल है बच्चे तो दस मैनू मैं सुनागी तेरी हर गल दस तू मैनू क्यों चुप रहनी की है पता नहीं मम्मा खुश रहने दिल जहा नहीं करता कल्ले रहे हाँ परिवार भी सिर्फ आपा दोवें हाँ मन जहा नहीं लगता है अजकल मेरा मेरा बेबी इदा क्यों सोचना होया ना इदा की गल्ला नहीं सोची दी ताए ते सिमरत पहले मैं सोचती सी ना मित्र ब्याह उत्थे करांगी छोटी जी फैमिली होवे मेरे बच्चे दे सिर ते इन्ना बोझ ना पवे ते पर जड़ा तेरे वास्ते रिश्ता आया फोन कट दे किदा आया कट दे ते जड़ा हुण तेरे वास्ते रिश्ता आया पहले ते तू मैनू ये दस तेनू मुंडा पसंद है जे ते तेनू पसंद है ते असीं गल करिए नहीं ते असीं गल ही ना करिए चक्का लगा मुंडा हाँ जी मामा मुंडा ते मैनू पसंद आ पर व्याह करा के मैं चल गई तो फिर तुसी कल्ले रह जाओगे कल्ली क्यों रहेगी मैं कहना तेन बहरले देश भेजन लगी हाँ कि जिते मैं आ जा नहीं सकती तेरे को मैं पहुँच जा करा जो मेरा दिल उदास होया करना मैं अपने बच्चे को आ जाया करना तो जो तेरा दिल उदास हो गया तू मेरे को आ जाया करना मैं कहना तेन दूर भेजन लगी हाँ कितने पर मेरी एक गल सुन मुंडा पसंद है तेन हाँ जी मामा मुंडा तो मैं पसंद आ पर एक गल वेख परिवार वड्डा है मैं सिर्फ पूछ दस किवें करा हाँ जी मम्मा तुहानू तो पता ही है कि मैं शुरू तो ही वड्डे परिवार का बहुत चाह सी कि अपना किन्ना वड्डा परिवार होवे जिन्ना चिकर तक पापा से अपने नाल उन्ना चिकर तक सारे आपां बुलांदे सी सारे अपने घर आंदे सी ते पर जदों दी पापा इदा हो गए उस तो बाद सारे ने अपना साथ छड्ड दिता तो मैनू बहुत चाह वा कि मैं किसी जे मैं किसी के घर जावा विआह करवा के
तो किन्ना वड्डा उन्हां दा परिवार होवे, कोई मैनूं इधरों आवाज मारे सिमरत, कोई उधरों आवाज मारे सिमरत, बड़ा मैनूं चा जिहा वा कि सारे इकट्ठे रहन, इकट्ठा परिवार होवे जिथे मैं उन्हां दी बड़ी प्यारी जी मनी जावां, सारे मैनूं बहुत प्यार करन, मैं उन्हां नूं उन्ना ही दुगना प्यार करां कि हाँ मेरे सारे अपने आ। बहुत मम्मा मैनूं बचपन तों बड़ा चा सी कि जिथे किन्ना परिवार होवे अपना। हाय मैं मर जा, मेरी धी बड़ी सियाणी हो गई है, इन्नियां बड़िया बड़िया गल्लां, इन्निया बढ़िया बढ़िया और इन्निया सियानिया गल्ला करन लग पे मेरा बच्चा, ये वेखदे वेखदे इन्ना सियाना किवें हो गया मेरे बच्चा। कोई गल, फिर मैं उन्हां नूं कह दाना गल चला सिमरत, देख पुत विआह तो करना ही है बच्चे, चंगा टाइम नाल जिम्मेवारियां जड़ियां पूरियां हो जाए ना पुत ही सही रहिंदियां ने। हाँ जी मम्मा। बाकी तू समझ सकनी ना सिमरत। हाँ जी मम्मा। कमा मैं उन्होंने फिर कह दिए आने वास्ते कह दी जी। मम्मा तुहानू सही लगदा? मम्मा मैं विआह करवाउण तो नहीं, मैं उस टाइम तो डरदी हाँ कि जे मैं विआह करा के इतों चल गई तो तुसीं इकल्ले किद्दां रहोगे। पापा हुंदे ही उदों गल अलग ही कि तुसीं मेरे तो बाद उन्हां दा तुहाडा साथ होना ही, पर हुण मैं जे मैं चल गई तो तुसीं मम्मा इकल्ले रह जाओगे ना। हाए पागल जी, किवें दी गल्लां सोचदी है तू, मैनूं तां लगदा तू अपने नाल नाल मैनूं वी रवा देना। कमलिश रैन मेरी धी, हाय हाय अगे शदाइयां दी घाट सी दुनिया च जिहड़ी इक होर हो गई। मेरी गल सुन, तैनूं शौक सी मेरा वड्डा परिवार होवे, शौक सी ना, तू आपे कहिंदी वी ना, तू हुण तैनूं देख बाबा जी ने तेरी किन्नी सोहणी, तैनूं वड्डा परिवार ही मिलन लग्या, उत्थे तो जीआं दा कुरबल कुरबल हुंदी होणी आ। तू कहिंदी सी ना मैनूं कोई इधरों आवाज मारी सिमरत सिमरत, तो हुण सारिया ने सिमरत सिमरत ही करी जाणी आ, तो तैनूं तो माँ की याद भी नहीं आनी। कहिंदे उन्हां दी मम्मी का भी सुभाव बड़ा चंगा ही, उन्हां दे मुंडे दे भाबियां भी कहिंदे बड़ियां चंगियां ने, होर की उन्हां तेरियां सहेलियां वा को रहना। मैनूं तो डर लगता है सिमरत कि तू ना मैनूं भुल जे। चुप करो मम्मा, मम्मा चुप करो, चुप करो, चुप करो मम्मा। जे तुसीं इदां ही करना ना मुंडे दी फोटो वापस भेजो, मैं नहीं विआह कराना, मैं नहीं तुहानूं छड्ड के जाना। पागल ना ना, ये तो वैसे ही कदी कदी रो लेना चाहिए, अखां साफ रहिंदियां ने। और की चुप करो, तू तो मेरी सहेली भी है, मेरा बच्चा भी है, मेरी सब कुछ, बस तू ना मेरी माँ नूं भुल जी। क्योंकि तकरीबन देखी दे ना जो थोड़े वड्डे परिवार धियाँ चली जाने ना तो उन्होंने माँ नाल गल करन दा टाइम नहीं मिलता, मामा फोन मिलांदियां ने लेकिन धियाँ गल नहीं करदे, कहिंदे ने मामा वेली हो के गल करांगी अजे टाइम नहीं हैगा, ते माँ सारा दिन फोन आते पढ़ पढ़ के वेखदी रहिंदी है हुणे फोन आएगा हुणे फोन आएगा। ये ना होवे मैं इंतजार ही करती रह जा ते तेरा फोन ही ना आया करे। सब ठीक हो जाएगा, कोई गल नहीं, इन्ने चलता ही रहिंदे जिंदगी, जिंदगी दा ही ते नाम हैगा। हाँ जी मम्मा। बाकी तू टेंशन ना ले, मैं बहुत अच्छा तेरा विआह करांगी, तेरा हर सपना पूरा करांगी पुत, तू जिवें दा सोचिया सी असीं उदां दा ही तेरे वास्ते घर, मैं खुद जा के वेख के आवांगी, सब कुछ देखांगी, सारी गल करांगी, तू टेंशन नहीं लैनी, बस तू एवें ही रहना जिवें तू मेरा बच्चा हुण एवें बाद च रहना। हाँ जी मम्मा। ठीक चल तू हुण इदां कर, मैनूं तां भुख भी लग गई आ, तू जल्दी कर ला ते नाश्ता कर लईए, बड़ा टाइम हो गया वेखी। तुसीं रुको मम्मा, मैं हुणे तुहाडे लई बना के लियाई। नाश्ता बनिया पे? ਬਣਿਆ ਵਾ। ਹੋਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਦੱਸ ਚਲੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਜੂੰਗੀ, ਇਕੱਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਈ
हाँ जी चलाओ अच्छा हाँ चल 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 नाश्ता करी चल तू अपनी बुक्स वगैरह पा बैग जल्दी सिमरत ध्यान नाल जाई बेटा ध्यान नाल जाया जे ध्यान नाल आया जे गल करनी चाहिए है। हेलो सत श्री अकाल बेटे हाँ जी सब ठीक ठाक है तुसी ठीक हो बेटे ओ बच्चे मैं तुहानू तकलीफ देन वास्ते थोड़ी देर पांच मिनट फ्री हो ना तुसी ते मैं कहना सी कि मैं सिमरत नाल गल कीती सी ते ओ कहिंदी मम्मा तुसी देख लो जिवें तुहानू चंगा लगदा उवें कर लो ते पुत मेरी गल सुनो बेटे ते फिर तुसी सानू एक वारी मुंडे नूं चाटी मरा दो असीं देख लईए है नहीं बेटे घर नहीं आंदा बंदा चंगा लगता तुहानू पता है ना अज कड़ा पूरी गल होई है तो अस दुनिया लोग गल करते हैं ना फिर बेटे तो तुम इदा करो तुम साढ़े घर आ जाओ बच्चे हाँ जो भी तुहाडे प्रोग्राम होएगा ना बेटे मैनू दस्सियो बाकी तुहाडी सोच चंगी है मैनू अच्छी लगी पर चलो कोई गल नहीं तुसी जो भी तुहाडा प्रोग्राम होवे ना तो बेटे मैनू दस्सियो है फोन करके हाँ ठीक है मेरे बेटे ओके बच्चे ओके 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 कहते चंगी ने कहते फिर तुसी साढ़े घर आ जाओ देखने जिमें चंगा लगता पर चलो अज मैनू एक गल चंगी लगी कि मेरी कुड़ी की सोच है कि मैं परे परिवार बच्च रव है ना इन्ना बड़ा परिवार हो तो कुड़ियाँ कहें निका जो फैमिली हो चार रोटियां पकानियां पैन कम निबड़ जे वाहेगुरु अपनी मेहर रखियो मेरे बच्चों से एवं कृपा करियो मेरे बच्चे एवं चंगे रावे तो चलन बस सच्चे पातशाह बस मेरी धी खुश रवे कोई दिक्कत ना हो कोई भी ना हो अमन यार फोन च ही बड़े रहना वा कोई घर वाल भी ध्यान दे ला दसो मैं सुना दिया वा यार वो साहिल दा रिश्ता आया वा पता लगा तैनू कोई आहो दसन दे हे भाभी हां कहंदे वधिया वा रिश्ता कुड़ी भी वधिया वा ते कर दने आपां करना ते आई ओदा विआह पर यार मैं सोचदा भी हजे ना करिए क्योंकि वो अपने पैरों का स्टैंड नहीं हैगा अजे ते मैनू लगा भी जे अपने पैरों का स्टैंड होवे फिर ही आपां दा विआह वू करिए कोई कोई गल नहीं भाई कर दने आ विआह करा के आपे बच्चे सही हो जांदे आ नाले आपां नूं कड़ी लोड़ आ घर दा बिजनेस हैगा ना भी कितें लगूगी जो भी आ कोई ते घरे कर लूगा कि नहीं मम्मी एहो गल ते मैं कहण डई आ नाले ना तेरी दादी ज्यादा मगर पई आ ओह कहंदी उहदा रिश्ता करो वेख लो पर तुसीं जे तुहानूं चंगा लगदा ते अमन तूं छुट्टी कर ला फिर अज भाजी तुहानूं पता मेरी जॉब हैगी आ मेरी मीटिंग नाले अज तुसीं घरे हैगे सारे मम्मी हैगे सियाणे जो तुसीं करता उही आ मैं अज कुछ ज्यादा वेखणा इक उहनां नूं विमल ने सिद्धा कहता भी घर आ जाओ आ तो मम्मी बहुत वधिया गल होगी ठंड विच नाले इन्नी ठंड बाहर जावांगे आपां उहनां नूं भी सद्दांगे आ वधिया घर दे घर ही नाले दस ताडी पता दादी बोलन डई सी ओह कहण डई सी इह कड़ा तुसीं नवां रवाज करन डए के कुड़ी वाले कुड़ी सानूं पसंद आंदी नहीं आंदी तुसीं पहलां ही उहनां नूं घर बुला लिया तूं कोई नहीं मम्मी नूं धी आंदे सगनां नाल अंदरवाड़ी ते तुसीं पहलां ही दस उहनूं करी जांदे हुण जमाना बदल गया वैसे आपां पुराने ख्यालां च रहिंदे ताडे नवें जमाने नूं अग लग जे दादी ताडी मैनूं फिर बाद चों गल्लां सुना रहिंदी आ कोई नहीं दादी नाल कर लैं गल ठीक है मम्मी वेख लो मम्मी कोई गल नहीं आ जे कह दे आ मैं ते चल वेख लो कोई नहीं परिवार वी कहंदे छोटा ही आ दोवें मावां धीआं ही आ ते ठीक है मम्मी तुसीं भाजी फिर रह लो घरे ही फिर अज कर लो ते किन्ने बजे आना उहनां कदों आना वा पता नहीं हजे मेरी विमल नाल कोई गल नहीं होई सवेरे सवेरे दोवें काम कार च लगियां हुंदियां ते इन्नी गल होई नहीं तुसीं फिर वेख लो ना विमल नूं पुछ लो जां उहनां नूं फोन करके पुछ लो कदों आना वा
तो मैं भी काम का मुकाम है फिर मैं आ जाऊंगा घर फिर। हाँ चलो ठीक। तो वैसे अमन मेरी गल सुन, तू भी ओदा वड्डा भरा है, ताडे दोवां दा होना बहुत जरूरी है उत्थे। मम्मी तू ही सियाणे हैगे जे भाजी हैगे, दसो मेरी मीटिंग हैगी है, चलो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आ जा जल्दी। तू ना एक अपनी मैडम नु कह दे ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਡੀ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, 5 ਵਜੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਅੱਜ। ਬਸ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਮੰਮੀ, ਦੱਸੋ ਮੰਮੀ ਬਣਿਆ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆ। ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਮੰਮੀ। ਸ਼ਮੀ ਚੱਲ ਲੈ ਆਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਟਿਫਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਚਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੰਡੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਦੈਨ ਜੀ ਸਾਹਿਲ ਨਾਲ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਤੂੰ। ਅਮਨ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਨਾ? ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਦੈਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਆਹ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀ ਸੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਮਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਗੇ ਹੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਸਾਹਿਲ ਦਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਫੋਟੋ ਉਹਦੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਆ ਕੁੜੀ। ਸੋਹਣੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆ? ਤਾਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਧੀਆ, ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਹਿਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗੀ। ਸਾਹਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ, ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੰਮੀ ਆ, ਭਾਜੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਦਾਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਡਈ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਰਾਏ ਆ, ਸਾਹਿਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਰਹਿ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਰੂਪ ਹੀ ਬੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨਾਲੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਦਿਆਂ ਵਾ, ਆਪੇ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁੜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਚੱਲਣੀ ਤੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਵੀ ਲਿਓ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈ ਰਹੇ ਟਿਫਨ ਦੇ। ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਦੀ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਏ ਅਮਨ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਫਿਸ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਬੈਠੋ ਦੀਦੀ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਿਆਂ, ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ। ਲੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ ਦੀਦੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ? ਓਹੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਵੋਟੀ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਮਗਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਲੈ ਦੱਸ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਾਹਿਲ ਨਾਲ? ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੰਮੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਸੰਦ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ,
हूँ वेखो शदैन जी कुड़ी ना होंदा है ते आपे जाके ना कर ही है ना उन्ने किते ना कीती ओ ते गई ओ ते घर आ गए सानू नहीं पसंद आया आपा ना कीती उन्ने थोड़ी ना कीती उन्ने ते घर बुला लिया सी ओ आपे आए दीदी मैनूं दस्या सारे ने भाभी ने भी दस्या कि आपे ओ इत्थे घर आ गए सी मावां धीआं दोवें जणे तू ना तेरे ते अखां ते पट्टी बन्नी हुई आ इहनूं पट्टी नूं ला ते वेख घर च चलन की दिया आप तो तू चल जाना सारा दिन तो घर मैं रहनी हाँ मैनू पता ना मगर की होंगे की नहीं होंगे दीदी मैं ना तुम्हारी गल्ला नहीं समझ तुम कि पट्टी की गल करन दे वेख शदाइया कौन रहा सारा दिन घर राजू भाजी भी बहर तू भी बहर तो साहिल सारा दिन वो बैठा रहा ही सारा दिन वो गोडे ना गोडा ला के बैठा रही हद होगी गलों की देवर भरजाई है दोवें जने कुछ भी सोची जाते तुम ठीक है आप कि दियोर भरजाई नहीं है पर दियोर भरजाई वगू रह तो सही ये थोड़ी भी मिनट कबाद चल उत हम मेरी गल सुन विमल कि लग बहती है वह भी तो तु ही तो दियोर भरजाई हाँ दीदी हर के अपना सुभाव हों वा मेरा सुभाव नहीं इदा का साहिल तुम्हें पता शुरू तो बचपन तो ही नटखट है वा शरारती है पर विमल भाभी ना नहीं इंज करता रहा शरारत वह भी तो होंदया ही विह होया कड़े बाद चो होया मेरी गल सुन वीर तू मेरा भरा वा वेख वड्डी भैन ने तेरा कोई बुरा थोड़ी चाहना वा भैन ही घर बचा होंगे भरा दियाँ तू थोड़ा जा ध्यान रख अपने घर वल ध्यान रख अपनी मोटी वल ध्यान रख वेख वो तो बगानियाँ वा बगानियाँ थोड़ी अपन बन जा तू तो अपना है ना तू ध्यान रखे ध्यान रखेगा तो घर बचाएगा मेरा तो समझा ही ना भी वड्डी भैन आ समझावा वीर नूं घर बचा ले दुख तो फिर भैनां नूं ही हुंदा है होर थोड़ी किसे नूं हुंदा वा ध्यान रखी वीरा जिहड़ी मैं गल कहनी आ तू समझन दे आ ना वैसे तो मेरा वीर बड़ा समझदार है चल समझी ना समझी